दोस्तों नमस्कार, दैनिक हरियाणा में आपका स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें। नमस्कार, दैनिक हरियाणा में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं हूं मोंटी चौहान और दैनिक हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं जेजेपी के उपेंद्र सिंह का ध्यान से थोड़ी बातचीत की जाए। नमस्कार जी उपेंद्र सिंह। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से की। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक हरियाणा के सभी व्यूवर्स का, मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। और जननायक जनता पार्टी के कार्यालय में यहाँ पहुँचने पर मैं अपनी तरफ से बेरी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता। आप जो पॉलिटिकल की शुरुआत है वो कब की आपने, कैसे की? जब मैंने पढ़ाई के लिए मैं रोहतक यूनिवर्सिटी पहुंचा, रोहतक यूनिवर्सिटी जाने के बाद मैंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जब इनसो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम किया, उसी के साथ जुड़ करके हम सब युवा साथियों ने एक नई राजनीति की पहल की। अगर आपकी पार्टी यहाँ से आप जीत जाते हैं तो किसानों की समस्या इनमें आपका क्या योगदान रहेगा? देखिए, अगर जननायक जनता पार्टी ने अपना भरोसा मुझ में जताया और मुझे यहाँ से टिकट दे करके अगर भेजेंगे तो ये निश्चित रूप से पार्टी की जीत करने का काम हम करेंगे, क्योंकि हम युवा साथियों ने ये एक मन बना लिया है, बुजुर्गों ने हमें आशीर्वाद दिया है, मातृशक्ति ने हमें प्यार दिया है। तो आज कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम दिन और रात मेहनत करके इस नए आयाम स्थापित करने वाली जननायक जनता पार्टी का साथ देंगे। और अगर जनता जब हमारे साथ होगी तो जैसे बेरी की काफ़ी समस्याएं हैं जो आज तक कोई पूरी नहीं कर पाया, बार बार लोगों के बीच में लुभावने वादे दे करके 10-10 साल ही सत्ता में रहे, लेकिन उनकी प्रदेश और देश में दोनों जगह राष्ट्र में भी उनकी सरकार, उसके बाद वो कोई काम नहीं करा पाए। महिला कॉलेज की जो बात थी वो आज तक ऐसे ही पेंडिंग पड़े हैं। जो 2-2 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात थी वो सारी पेंडिंग पड़ी हैं। तो आज हम पूर्ण रूप से इस चीज़ के खिलाफ हैं कि जैसे आदमियों को हमने आज तक बेरी से बनाते रहे हैं, अब उनके ऊपर हम विराम लगाएंगे और आने वाले समय में जितनी भी समस्याएं बेरी की हैं, सबसे पहले महिला कॉलेज को हम बना करके ये चीज़ दिखाने का काम करेंगे कि जो वादे दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी करती है हम उसको पूरा भी करके दिखाते हैं। युवा लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, अगर हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले किसी ने युवाओं के लिए अगर आवाज़ उठाई है तो दुष्यंत चौटाला जी हैं। 75% रोजगार देकर के प्राइवेट सेक्टर के अंदर किस प्रकार से बेरोजगारी के ऊपर काबू पाया जाए, इस चीज़ के लिए अगर किसी ने सोच आगे लेकर के चला तो दुष्यंत चौटाला है। और ऐसे दुष्यंत चौटाला जी का क्यों ना हम साथ दें, हम युवाओं का फर्ज बनता है। जहाँ बीजेपी 75 सीटें बात करती है कि हम 75 पार सीट ले जाएंगे, हमने 75 सीटों का कुछ नहीं करना। आज भी वो पूर्ण रूप से सत्ता में बैठे हैं, उनके पास पूर्ण बहुमत है, क्यों नहीं वो आज वो काम करके दिखा रहे, क्यों आगे का वादा कर रहे हैं? हम 75 सीटों के हक में नहीं, हम 75% युवाओं के रोजगार के हक में हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जननायक जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो आने वाले समय में इस प्रदेश का भविष्य बन करके उजागर होगी। और मुखिया हमारे चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी के विचारों के साथ चंडीगढ़ में बैठेंगे और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का साथ लेकर के, आशीर्वाद लेकर के वो इस हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बेरी हलके के लिए जिस प्रकार से मैं 2 बार जिला परिषद का सदस्य रहा हूँ, जितना मेरे से बन पाया है, चाहे वो किसी चौपाल की मरम्मत की बात हो, चाहे नई चौपाल बनाने की बात हो, चाहे पार्क बनाने की बात हो, चाहे युवा साथियों के लिए जिम देने की बात हो, चाहे बुजुर्गों को उनकी आँखों की रोशनी के लिए आँखों का कैंप लगवाने वाली बात हो, ब्लड डोनेशन की बात हो, बस स्टैंड बनवाने की बात हो, हमने हर चीज़ में लोगों के साथ मिलजुल करके काम किए हैं। और ये चीज़ दिखा दी है कि जिला परिषद का सदस्य जब 10 वर्षों के अंदर इतना काम करा सकता है। मैं हमारे परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ाई करते करते आकर के अपना चुनाव जिला परिषद का लड़ा, लोगों ने, वार्ड की जनता ने मेरा साथ दिया और साथ उन्होंने मेरा दिया तो मेरा भी एक दायित्व और फर्ज बनता था, मैंने भी उनका बढ़ चढ़ कर साथ दिया। जो काम जिला परिषद के अंडर आते हैं उनको अड़ करके और डट करके करवाने का काम किया। एक एक ग्रांट अपने वार्ड की मैं लगातार छीन करके, क्योंकि मैं दोनों बार विपक्ष में रहा, पहले बार कांग्रेस का विपक्ष रहा, उसके बाद अब बीजेपी का विपक्ष है, लेकिन मैंने काम में कभी कोताही नहीं बरती। इसी चीज़ को देखते हुए लोग इस बात को सोचेंगे और आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी और चाबी का निशान और मुझ में आस्था जताएंगे, मुझे प्यार देंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। तो
बुजुर्गों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बुजुर्ग इस प्रदेश में आज बड़ी ही एक ऐसी स्थिति पे खड़ा है, एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां सरकार उसकी सुन नहीं रही, जहां वो अपनी मान सम्मान रूपक जो पेंशन थी उस पेंशन के लिए उसको दर दर भटकना पड़ रहा है। तो आज ये जरूरी है कि अगर दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के मुखिया बनेंगे और हमारे जैसा यहाँ से युवा साथी अगर विधायक बन करके जाएगा, तो आज ये वादा मैं जनता के बीच कर रहा हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि 55 वर्ष की हमारी महिला को और 58 वर्ष के हमारे बुजुर्ग पुरुष को हम घर बैठे पेंशन देने का काम करेंगे। असली मान सम्मान जो चौधरी देवीलाल जी ने उनका चालू किया था, उन्हीं के नक्शे कदम चल करके हमारे चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला जी उनको वही मान सम्मान दोबारा से लौटाने का काम करेंगे। रोज के 100 रुपये उनकी पेंशन करने का भी हम काम करेंगे। ओके जी, धन्यवाद। आपका आपके चैनल को मैं दोबारा से बधाई देता हूँ और आप जैसे युवा साथी जो आज पत्रकारिता में आ रहे हैं उनके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप ऐसे ही अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहिए।